हर व्यापारी अपने आसपास के कंपटीशन से परेशान रहता है, जिसके लिए कई बार वो अपने ग्राहकों और आसपास के लोगों से चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगता है। ऐसे में आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिस्पर्धा के माहौल में अपने बिजनेस को नई उड़ान देने के टिप्स। चलिए जानते हैं ये टिप्स। वैरायटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बढ़ाएं। आपको चुनौती देने के लिए यदि किसी ने अपनी शॉप के सामने अपनी शॉप खोल ली है या आसपास खोल ली है, तो स्वाभाविक है कि आपके नए कस्टमर के साथ साथ पुराने कस्टमर भी टूट जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको सामने वाले से बेहतर प्रोडक्ट्स रखना होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी का खास ख्याल रखना होगा, जिससे हर तरह के ग्राहकों को आप आकर्षित कर सकें। प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको प्रोडक्ट्स के प्राइस पर भी ध्यान देना होगा। थोक में माल खरीदें और MRP से कम प्राइस में बेचें। याद रखें, जब भी आप कहीं से थोक में माल उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामान बेहद कम लागत में मिलता है। जब आप कम लागत में सामान खरीदते हैं तो अपने कस्टमर को कम दाम में बेचेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि हर तरह का प्रोडक्ट आपकी शॉप पर होने की वजह से तो ग्राहक आएंगे ही, साथ ही साथ सही दाम में सामान बेचते हैं तो वो आपकी शॉप से ही सामान खरीदेंगे। एक ग्राहक को क्या चाहिए? सही दाम में अच्छा सामान। आप बस वही देने की कोशिश करें। दुकान के बोर्ड या बैनर पर अट्रैक्टिव लाइन लिखें। ऐसा करने से लोगों की नजर आपकी दुकान के बोर्ड या बैनर पर पड़ेगी। जब लोग बैनर देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस जगह पर किस चीज की दुकान है। इससे नए कस्टमर बनाने में मदद मिलेगी, यानी कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी होगी लोगों तक पहुंचने के लिए। कोशिश करें कि एडवर्टीजमेंट आपके बजट में हो सके और आकर्षित भी। डिस्काउंट और छूट का कूपन दे सकते हैं। किसी भी ग्राहक को डिस्काउंट और छूट का कूपन बहुत आकर्षित करता है। ऐसे में यदि आप अपने शॉप की खरीदारी बढ़ाना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहते हैं तो डिस्काउंट एक बेहद अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आप या तो 5-10% तक हर सामान में डिस्काउंट रख सकते हैं या फिर अपने ग्राहकों को अगली शॉपिंग कराने के लिए छूट का कूपन दे सकते हैं, जिससे वो ग्राहक आपकी शॉप पर दोबारा आए और आप फिर कोई और ऑफर उससे दे दें, जिससे उसके आने का सिलसिला चलता रहे। अपने कॉम्पिटिटर से पहले शॉप खोलें और कॉम्पिटिटर के बाद ही शॉप बंद करें। याद रखें कि कुछ लोग शॉपिंग सुबह जल्दी करते हैं और कुछ लोग अपने काम निपटाकर रात में शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे में आप नए ग्राहक और पुराने ग्राहकों को बांधने के लिए और अपनी छवि को एक ऐसे दुकानदार के रूप में बना सकते हैं जो एक अच्छा व्यापारी होने के साथ साथ मेहनती व्यक्ति भी है। ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। किसी भी दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान होता है। ऐसे में यदि भगवान आपकी दुकान से नाराज होकर जाएं या फिर असंतुष्ट होकर जाएं, ये ठीक नहीं माना जाएगा। तो कोशिश करें कि हर ग्राहक को बराबर से संतुष्ट करने की कोशिश करें। कभी कभी ये भी होता है कि किसी ग्राहक से MRP रेट और प्राइस को लेकर बहस हो जाती है, लेकिन दुकानदार को कोशिश करनी चाहिए कि भले ही रेट टू रेट सामान बेचना पड़ जाए लेकिन ग्राहक असंतुष्ट होकर ना जाए। ऐसा आपको महीने में 2-4 बार करना पड़ सकता है। दुकान को सदा चमकदार और नई जैसी रखें। किसी भी पुरानी चीज से लोगों का मन ऊब जाता है। ऐसे में चाहे दुकान हो या घर, हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहें खुशहाली के लिए। तो आप अपनी दुकान को हमेशा साफ सुथरा, चमकदार और नई जैसा बनाकर रखें, जिससे दुकान हमेशा सजी धजी और खूबसूरत लगे, लोगों को आकर्षित कर सके। इसके लिए दुकान का कलर, फर्नीचर आदि पर ध्यान दें। साथ ही ध्यान दें, कई बार कस्टमर आपकी दुकान पर सामान आकर देखता है, किसी कारणवश वो आपकी दुकान को छोड़कर आपके कॉम्पिटिटर से जाकर सामान खरीद लेता है। ऐसे में अपने कस्टमर्स के प्रति जलन भावना ना रखें, बल्कि कस्टमर को बुलाकर उनसे अच्छे से बात करें। वजह जानने की कोशिश करें कि क्यों वो आपकी शॉप से सामान नहीं खरीदता। फीडबैक लें और कस्टमर की शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें। खुद की समीक्षा करें, जैसे ग्राहकों का फीडबैक, प्रोडक्ट स्टडी, उधारी खाता, स्वयं के व्यवहार पर स्टडी आदि करें। जब भी समय मिले हर महीने अपने आप को समय दें और खुद की समीक्षा करें। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। अपनी दुकान को बनाएं ऑनलाइन शॉप। यदि आप अपनी शॉप का सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो अपनी शॉप को ऑनलाइन शॉप बनाना चाहते हैं तो आप OkShop ऐप को एकदम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। जानिए कैसे आप अपनी शॉप को ऑनलाइन ला सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में OkShop ऐप का लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर अपनी शॉप को ले जाएं ऑनलाइन। डाउनलोड करें OkShop। OkShop कैसे इंस्टॉल करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी दुकान के स्टाफ को कैसे आसानी से मैनेज करें। OkStaff को मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन OkStaff के साथ आप अपनी टीम और स्टाफ को बेहद आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ की सैलरी, उनकी अटेंडेंस बहुत ही आसानी से मैनेज की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी समस्या के आप हर कर्मचारी को उसकी छुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदि बता सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स में। खास बात यह है कि OkStaff काफी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि, इसलिए आपको भाषा से जुड़ी समस्या नहीं होगी। OkStaff ऐप के बारे में और अधिक जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।
आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओके स्टाफ का लिंक पा सकते हैं। स्टाफ को बेहद आसान तरीके से मैनेज करने के लिए अभी डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। ओके स्टाफ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।